इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि रामपुर का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, और जो माहौल है इस वक्त रामपुर में, जिस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं और जितनी दहशत पैदा की जा रही है, और मुसलसल इस बात की कोशिश है कि किसी तरह जनता के बीच, समाजवादी पार्टी के बीच अधिकारियों का और पुलिस का टकराव हो जाए। ये पहला वाकया नहीं है जब रामपुर में अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है, महिलाओं को के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, स्कूल के 5-5 साल के बच्चों को सीट कर कमरों से निकाला गया है। ये गैर कानूनी तो है ही, हद दर्जे का अमानवीय बर्ताव है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम बहुत बच रहे हैं कि दंगा ना हो, हम बहुत बच रहे हैं कि चुनाव हो जाए, लेकिन ऐसे हालात में एक ऐसा जिलाधिकारी, एक ऐसा ADM, एक ऐसा SDM, एक ऐसा सिटी मजिस्ट्रेट जिसे भेजा ही इन कामों के लिए गया है, और 2 दिन के अंदर सारे ऐब निकल आए। उर्दू गेट गिरा दिया गया, यूनिवर्सिटी के बिजली घर की दीवार गिरा दी गई, RPS किड्स की दीवार गिराने पहुंचे थे, फिर आज जबरन RPH किड्स की इमारत पर कब्जा लिया गया है। अगर इस कब्जे में कहीं कोई शिकायत थी जिलाधिकारी को या सरकार को या किसी चरित्रहीन भाजपा के नेता को, तो उसका एक प्रोसीजर है। सिविल की कार्रवाइयों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को शामिल नहीं किया जा सकता। किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया जाना है। ये एक इमारत का विवाद है जो 99 साल की लीज पर है और सरकार ने दी है। ये कानूनी लीज है। अगर इसमें कुछ समझना या बताना या समझाना है तो उसका अपना एक प्रोसीजर है। उन्हें नोटिस देना चाहिए था ट्रस्ट को, डायरेक्टर को हमारे एजुकेशन के, उन्हें नोटिस देना चाहिए था, हमारी तरफ से उसका जवाब दिया जाता। आप अगर जवाब से मुतमईन न होते तो आप कार्रवाई करने में सक्षम थे, लेकिन इस तरह कभी रातों रात चोरों की तरह और कभी इस तरह दहशत फैलाकर, मैं समझता हूँ ऐसे में रामपुर का चुनाव बहुत प्रभावित होगा। और ये बिल्कुल तय है कि ये ठान ली है कि रामपुर को लहू से नहाना है। जाहिर है कमज़ोर लोग हैं हम, अल्पसंख्यक हैं, किराएदार हैं अपने ही वतन में, RSS की भाषा में हम नंबर 2 के शहरी हैं, लिहाजा हमारे साथ जो भी बर्ताव किया जाए वो कम है। लेकिन जो भी कुछ आज हुआ है, जो भी कुछ उर्दू गेट के मामले में हुआ है, ये सब गैर कानूनी था। PWD ने गेट बनवाया था, PWD से ये कहना कि साहब उसने NOC नहीं दिया, सरकार के फैसलों के सब नीचे हैं, ये PWD के देखने की बात थी कि वो जिस गेट को बना रहा है उसकी NOC उसने दी है या नहीं दी है। RDA को देखना था, RDA ने हाईकोर्ट में कह दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं, हम इस तरह कार्रवाइयां नहीं करते, सिर्फ जिलाधिकारी को किया। उसकी मिल्कियत नगर पालिका के पास है, नगर पालिका ने जवाब तलब किया है IO का कि ऐसा कैसे हो गया। हर चीज का एक तरीका होगा, आपको अगर कोई इलीगल चीज गिराना भी है तो उसका प्रोसीजर इख्तियार करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि आप रात के अंधेरे में JCB बुलडोजर से जाकर किसी करोड़ों रुपए की इमारत को, जनता के धन को इस तरह से गिरा देंगे सिर्फ इसलिए कि आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जिताना है। अगर ये अफसरान इसीलिए भेजे गए तो इलेक्शन कमीशन खुद कह दे हमसे कि समाजवादी पार्टी या गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से नहीं खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो बिला मुकाबला जीत जाए। लेकिन ऐसे दहशत के माहौल में और ऐसे पक्षपात के माहौल में न चुनाव का लड़ना संभव है और न चुनाव का निष्पक्ष होना।